कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन 4 शुरू हो चुका है, लेकिन प्रदेश सहित राजधानी जयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने और लॉकडाउन के दौरान कैसी रहे व्यवस्थाएं, इनको लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन जारी है, आज से लॉकडाउन चौथा हो चुका है। ऐसे में तमाम जयपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ विधानसभा मुख्य सचेतक महेश जोशी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की जयपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे में किस तरह की जो तमाम व्यवस्थाएँ हैं वो होनी चाहिए? देखिए, जो संक्रमित हो गया वो तो पॉजिटिव आएगा ही, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब जाँचें बढ़ती हैं, जाँचें होती हैं, तो जो सच्चाई वो सामने भी आती है। तो जो संक्रमित आए हैं वो हमारे लिए जिम्मेदारी तो है, लेकिन बड़ी चिंता की बात नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, लोग अपने घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, तो सब सुरक्षित रहते हैं। और किसी भी प्रकार से इस कोरोना वायरस से डरें नहीं, क्योंकि डरने से इम्यूनिटी ख़त्म होती है, कमज़ोर होती है। तो डरें नहीं, इसका मुकाबला करें। पूरी सरकार, पूरा देश, पूरा प्रदेश इस संकट से लड़ रहा है, और अगर एक भी आदमी इससे पीड़ित होता है तो पूरा समाज, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। इस बात के लिए हिम्मत रखें, डरे नहीं, अब उन सब एडवाइजरी का पालन करें जो WHO की या केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो एडवाइजरी जारी है, उनकी पालना करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। लंबे समय से लॉकडाउन जारी है, ऐसे में गरीब और मजदूर सहित जो जरूरतमंदों के सामने खाने पीने की तमाम समस्याएं रही, ऐसे में किस तरह की व्यवस्थाएं रही सरकार की ओर से, जयपुर में किस तरह की व्यवस्थाएं रही, जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं रही? देखिए, बड़ी संख्या में राशन वितरित किया गया, सरकार की तरफ से किया गया है, जो राहत कोष है उससे किया गया है। और ये जयपुर बहुत पुण्य लोगों का, पुण्यात्माओं का शहर है। यहाँ का हर आदमी, एक एक आदमी जो है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी समाज का हो, किसी जाति का हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटा। कोई संकट आया है तो साथ देने में लोगों का, अपने आप को ये कहना चाहिए कि घर फूंक के भी तमाशा देखने वाली बात होती है कि हम अपना, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अनाज बेच दिया, लोगों को बाँट रहे हैं, अपना अनाज बेचने के बजाय वो सारा लोगों को बाँट दिया है, अपने लिए थोड़ा सा रख लिया है। जिसकी जितनी हैसियत है उससे ज़्यादा जयपुर का आदमी कर रहा है। इस कारण से लगभग 4 से 5 लाख खाने तो रोज़ जयपुर में खाने के पैकेट जो हैं तैयार फूड के, वो वितरित हो रहे थे। और इतनी बड़ी संख्या में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 60-60 हज़ार, 65-65 हज़ार, 50-55 हज़ार अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की डिमांड के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी में सूखा राशन वितरित हुआ है। सरकार की तरफ से किया गया है और विधायकों ने अपनी तरफ से किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि जितने अच्छे तरीके से लड़ाई जयपुर के लोगों ने लड़ी है, ये दूसरी जगहों के लिए भी प्रेरणा है। सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की गई है जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से कई बार आरोप प्रत्यारोप जारी रहे हैं, ऐसे में किस तरह से देखते हैं उनको? जिसका जो काम है वो करेगा, विरोध प्रतिपक्ष का काम विरोध करना, वो विरोध करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, सरकार ने जितना काम किया है, कि आज हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, उत्तर प्रदेश में सीमाओं में घुसना नहीं दिया जा रहा है प्रवासी उत्तर प्रदेशियों को, ऐसी ये क्या मजाक है? और बात कर रहे हैं राजस्थान की, राजस्थान ने तो स्वागत किया है जो प्रवासी आ रहे हैं उनका भी, और कभी किसी को ज़बरदस्ती करके यहाँ से जाने के लिए बात नहीं किया। जो जा रहे हैं उनकी हम मदद कर रहे हैं, उनको कम से कम तकलीफ हो। शुरू शुरू में लॉकडाउन अचानक घोषित किया गया, उसके कारण से जो परेशानी हुई वो एक अलग है, लेकिन राजस्थान सरकार हर पीड़ित के साथ है। वो प्रवासी राजस्थानी हो, चाहे राजस्थानी हो या राजस्थान में रहने वाला कोई प्रवासी अन्य प्रदेश का आदमी हो, हम सबकी पीड़ा हरने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन चौथे में तमाम जो कारखाने हैं, काम रोजगार के साधन हैं, वो तमाम खोल दिए गए हैं। ऐसे में बात करें प्रवासी मजदूरों की, तो वो बाहर जा चुके हैं, उनको लाने की और उनको रोकने की किस तरह की तमाम कोशिशें हैं वो की जा रही है? देखिए, रतन टाटा जी का एक बयान मुझे याद आता है कि ये 2020 का साल जिंदगी बचाने का साल है, कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं है, कल क्या होगा इस पर नज़र तो है, लेकिन इसकी चिंता करके आज को जोखिम नहीं डाला जा सकता है। आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम अपने जान को सुरक्षित रखें, अपने आसपास लोग के जो लोग हैं उनके जीवन को सुरक्षित रखें, ताकि पूरा प्रदेश, पूरा जयपुर, पूरा प्रदेश, पूरा देश सुरक्षित रहे और विश्व के सामने हम एक उदाहरण के रूप में निकल कर सामने आए कि कोरोना को पूरे तरीके से हराने वाला राष्ट्र भारत है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से मुख्य सचिव महेश जोशी जी ने कहा कि जयपुर में सहित प्रदेश भर में जो तमाम कोशिशें हैं वो की गई है कोरोना संक्रमण रोकने के लिए और जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए। जयपुर से कैमरामैन विजय गिरी के साथ में लोकेश ओला A1 TV। A1 न्यूज में यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए A1 TV।